पीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंद्रह से अठारह आयु वर्ग के लिए नागपुर जिले में भी शुरू हुआ टीकाकरण। सोमवार सुबह से ही विभिन्न केंद्रों पर टीकाकरण के लिए लगी रही कतारें। अम्बाजरी कैंपस मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में एक्टिवा चालक की दर्दनाक मौत। बेकाबू ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। और शहर में मनाई गई देश की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले की जयंती। महापौर दयाशंकर तिवारी ने किया अभिवादन। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर सहित देश भर में सोमवार से 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण शुरू किया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच किशोरों के बचाव के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई, ताकि संक्रमण से उन्हें भी सुरक्षा मिले। इसी के तहत नागपुर शहर में भी प्रशासन द्वारा 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके लिए शहर में कुल 16 जगहों पर सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ सोमवार से देश में एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई। देश के 15 से 18 साल के करीब 7.50 करोड़ किशोरों को सोमवार से कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। इस उम्र के लोगों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। शहर में प्रशासन 15 से 18 साल के किशोरों के वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह सज्ज है। वहीं शहर में कुल 16 जगहों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिनमें मनपा के सेंटर, निजी अस्पतालों के केंद्र और कुछ स्कूलों का समावेश है। वहीं स्कूलों और कॉलेजों में किशोरों का वैक्सीनेशन हो, इस उद्देश्य से शिक्षा अधिकारी से बात कर नियोजन किया जाएगा। इसलिए बड़ी संख्या में वैक्सीन लेने का आह्वान लोगों से किया गया है। वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश भर में आज से 15 से 18 आयु वर्ग के बेटे और बेटियों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है, और उसी श्रृंखला के अंतर्गत नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी उस क्रम को प्रारंभ किया है। महानगर पालिका के करीब करीब 16 सेंटर पर हमने इस प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ की है। साथ ही साथ 33 विद्यालयों में नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से यह प्रक्रिया प्रारंभ है। उत्कृष्ट प्रतिसाद है। करीब करीब 10,000 बच्चों ने ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन किया है। महानगर पालिका पूरी सक्षमता के साथ में इन बच्चों का वैक्सीनेशन करना चाहती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि 15 से 18 वयोगट के जो भी बच्चे हैं, वे बच्चे महानगर पालिका के इन केंद्रों पर जाकर के वैक्सीनेशन कराएं। हम लोग विद्यालयों में जाकर भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। विद्यालयों में पालक का कंसेंट लेकर के हम लोग वैक्सीनेशन की सुविधा कर रहे हैं। विद्यालयों में गतिशीलता ज़्यादा रहे के कारण एक छत के नीचे सारे बच्चे मिल जाते हैं, इसलिए उस सुविधा का लाभ भी पालक लोग ले, यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। सोमवार दोपहर करीब 4 बजे के दौरान अम्बाजरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अम्बाजरी गार्डन से यूनिवर्सिटी कैंपस के बीच एक बेकाबू ट्रक ने एक एक्टिवा चालक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक्टिवा चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नागपुर के अम्बाजरी गार्डन से यूनिवर्सिटी कैंपस की ओर जा रहे मार्ग पर सोमवार दोपहर करीब 4 बजे के दौरान एक बेकाबू ट्रक ने एक एक्टिवा चालक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बुट्टीपुरी की किसी कंपनी में काम करने वाले एक्टिवा चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक एक्टिवा चालक का नाम 50 वर्षीय कैलाश कोटवार बताया गया। एक्टिवा चालक अम्बाजरी गार्डन से यूनिवर्सिटी कैंपस की ओर जा रहा था। वहीं विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा चालक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक्टिवा चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आनंद फानंद में डीसीपी ट्रैफिक आभाड़, अम्बाजरी पुलिस के सीनियर पीआई अशोक बागोल सहित पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी। एक मृतक है श्री कैलाश कोटवार साहब, 50-52 की उम्र होंगी। वो बुटीबोरी में प्राइवेट कंपनी में काम में, ऐसा प्राथम दर्शनी जानकारी मिली है। वो इधर से आ रहे थे और ये जो ट्रक है वो शायद कैंपस चौक से आ रहा था। वो ट्रक वाले ने रैशली एंड नेग्लिजेंटली चला के एक्सीडेंट जो हुआ है उसमें उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई है। इमीडिएटली हमारे सीनियर ऑफिसर्स डीसीपी ट्रैफिक श्री आवाड़ साहब, हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर आदरणीय श्री अमितेश कुमार सर सीपी नागपुर, इनके आदेश पे आए। गाड़ी वो पूरा जानकारी ले रहे, आसपास का ही काम ठीक है, आसपास का कहीं होने की प्रथम दर्शनी जानकारी मिली है, वो इन्वेस्टिगेशन में सब होगा। महाराष्ट्र के सातारा जिले के माया गांव में जन्मी सावित्रीबाई फुले को भारत की सबसे पहली महिला शिक्षक कहा जाता है। सावित्रीबाई फुले वो महिला थी जिन्होंने भारत में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया।
3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ था। सोमवार को इसी अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने सावित्रीबाई फुले के पुतले पर पुष्पमाला अर्पित कर उनका अभिवादन किया। भारत में अंग्रेजों के राज में किसी के लिए भी अपने हक की लड़ाई लड़ना आसान नहीं था। जब बात हो लड़कियों के शिक्षा की तो समाज ही इससे ज्यादा महत्व नहीं देता था। हालांकि एक महिला थी जिन्होंने इसके लिए कदम उठाए और भारत की पहली महिला शिक्षिका बन स्कूल खोले ताकि बिना किसी भी तरह के भेदभाव के बच्चे पढ़ाई कर सके। वो कोई और नहीं, भारत की सबसे पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले थी। सोमवार को सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने सावित्रीबाई फुले को पुष्पमाला अर्पित कर उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी समेत अन्य पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्तागण उपस्थित थे। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इस संबंध में विधायक चंद्रशेखर बावनकुले इंटरवेंशन डालने वाले हैं, ऐसी जानकारी बावनकुले ने दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में मांग करेंगे कि जिन क्षेत्रों में चुनाव नहीं हुए हैं वहां ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव ना हो, और साथ ही कहा कि राज्य सरकार ने 3 महीनों के भीतर अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। 3 महीने सरकार ने जो कमिटमेंट किया सुप्रीम कोर्ट में मुन्नक इंटरवेंशन करतो है कि सरकारना पुन्हा एकदा जे कमिटमेंट केलं ते सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं पाहिजे की 3 महिन्यात तुम्ही कमिटमेंट पूर्ण करा आणि राज्य निवडणूक आयोगाने 3 महिने थांबा। या दोन्ही गोष्टीची विनंती मी आज करणार आहे आणि राज्य निवडणूक आयोगाने हे पत्र काढलं आहे, सर्व महानगरपालिकेच्या निवडणुका बिना ओबीसी करा हे जे आणि डेटसुद्धा दिलं आहे कोणत्या कोणत्या डेटला तुम्ही त्या ठिकाणी प्रभाग रचना करा बिना ओबीसी आरक्षणाने करा, हे सुद्धा परिपत्रक राज्य निवडणूक आयोगाने परत घेतलं पाहिजे। मी तेच सांगतो आहे कुणाला मराठा किंवा ओबीसी हा विषय नाही आहे। धन नांडगे लोक यांना ओबीसीच्या गरीब जागेवर आणायचं आहे, कुणा समाजाचं नाव घेणं काही योग्य नाही आहे। प्रकाश आंबेडकरात हे चुकतं आहे, मराठा समाजाबद्दल असं बोलणं काही योग्य नाही आहे। धन नांडग्या लोकांना ओबीसी समाजाच्या गरीब जागेवर आणायचं आहे आणि हे हा प्लॅन जाणीवपूर्वक या सरकार बनवणाऱ्या लोकांनी केला आहे। नाही तिथले काय लॉ अँड ऑर्डरचे प्रॉब्लेम निर्माण झाले असतील ते सरकारला हाताळावं लागतात, याही सरकारमध्ये ते हाताळावं लागतात। मी ओबीसी आरक्षणाचं आंदोलन केलं, मलाही उचलून नेलं पोलिसांनी, पण मध्य प्रदेश सरकारसुद्धा सुप्रीम कोर्टामध्ये जाऊन या ठिकाणी या राज्यांतर्गत निवडणुकी ज्या राज्य सरकारच्या अधिकारात आहे त्याकरता राज्य सरकार वेळ मागत आहे। आजच त्यांची मला वाटतं सुप्रीम कोर्टमध्ये त्यांचीही केस आहे। मला वाटतं की सर्वच राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागू आहे, सर्वच राज्य सरकार करतील। पण महाराष्ट्राचा महत्त्वाचा मुद्दा असा होता की 13/12/2019 पहिली आदेश आला होता सुप्रीम कोर्टाचा, तो मध्य प्रदेश सरकारला नव्हता, यांच्या सरकारला होता। 13/12 2 वर्ष टाइमपास या सरकारने केला म्हणून या सरकारला ओबीसी आरक्षणाचे विरोधी सरकार असं म्हणता येईल। देश समेत महाराष्ट्र राज्य में और अब नागपुर में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वहीं सोमवार को शहर में कोरोना के 133 संक्रमित पाए गए, साथ ही ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज मिले हैं। ऐसे में प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। नागपुर शहर में भी तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सोमवार को अब तक संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जहां 133 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें शहर के 108, ग्रामीण के 20 और जिले के बाहर के 8 संक्रमित शामिल है। वहीं सोमवार को ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज मिले हैं। ऐसे में प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। रोजाना आंकड़ा बढ़ने के बावजूद लोग नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोराडी में 3 दिन से लापता मासूम 4 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से खलबली मची है। एक कैनल से बच्चे का शव बरामद हुआ। इस घटना के बाद से परिसर में शोक की लहर छाई है। शनिवार को कोराडी से शाम 4 बजे से लापता हुए बॉबी उर्फ आनंद पंकज सोमकुवर, इस 4 वर्षीय बालक का शव 48 घंटे के बाद वारेगांव स्थित नहर में मिला। शनिवार को बॉबी उसके घर के पास से लापता हुआ था। बॉबी के घर के पास से ही कैनल गुजरता है। शायद खेलते हुए बॉबी कैनल में गिर गया और बहकर आगे निकल गया। इसके आधार पर ही कोराडी पुलिस काम कर रही थी। इसके चलते कोराडी पुलिस ने सिंचाई विभाग से कैनल का पानी बंद करवाया। सोमवार को कोराडी पुलिस कैनल सर्च कर रही थी। कैनल सर्चिंग के दरमियान सूरादेवी परिसर में कैनल में ही बॉबी का शव तैरते हुए कोराडी पुलिस को दिखाई दिया। नागपुर के शुक्रवारी तालाब परिसर में सावित्रीबाई फुले की जयंती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा मनाई गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सावित्रीबाई फुले को अभिवादन किया, साथ ही आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। ओबीसी की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ओबीसी की बात करेगा वही देश में राज करेगा। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा सोमवार को शुक्रवारी तालाब परिसर में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सावित्रीबाई फुले को अभिवादन किया, साथ ही केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी कर भोपाल में हुई घटना का निषेध किया। इस दौरान महासंघ के अध्यक्ष ने भोपाल से भी बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र राज्य में करने की जानकारी दी। काल मध्य प्रदेशच्या राजधानी भोपाळ मध्ये जे काही ओबीसी वरते घटना घडली आणि ओबीसी आंदोलन करत होते त्या सर्व ओबीसींना या मध्य प्रदेश सरकारने 1,50,000 ओबीसी बांधवांना त्या ठिकाणी अटक केली। त्याबद्दल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष या नात्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाकडून मी या मध्य प्रदेश सरकारचा निषेध करतो। आणि असल्या प्रकारचं आरक्षण न देता घटनेमध्ये दुरुस्ती न करता केंद्र सरकारने जो या प्रत्येक राज्यामध्ये दुजाभाव चालवला आहे, महाराष्ट्राची जर गोष्ट घेतली तर महाराष्ट्र ठीक आहे सरकार दुसऱ्याचं आहे, पण मध्य प्रदेशमध्ये केंद्र सरकार जे आहे ते सरकार त्या ठिकाणी मध्य प्रदेशमध्ये आहे। आणि हा जो सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा प्रत्येक राज्याला बंधनकारक आहे असं कोणीही समजू नाही की तो आम्हाला बंधनकारक नाही आहे, पण प्रत्येक राज्यावरती जेव्हा जेव्हा वेळ येत आहे आरक्षणाची त्यावेळेस त्या राज्यातील ओबीसी जनता खळबळून जागी होत आहे आणि सरकारचा निषेध करत आहे आणि आमच्या संविधानानं दिलेल्या मंडल आयोगानं दिलेल्या हक्क आणि न्यायासाठी लढत आहे। अशा या कालच्या घटनेचा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे आम्ही जाहीर निषेध करतो। मुंबई मनपा की ओर से 500 स्क्वायर फीट अंतर्गत आने वाले घरों का टैक्स माफ करने पर विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अगर टैक्स माफ करना ही है तो सभी नगर निगमों का किया जाए। ये जो हरकत मुंबई मनपा ने की है वो चुनाव देख के की है, ऐसा आरोप भी बावनकुले ने लगाया है। मुंबई महानगर पालिकेत जी माझी माहिती आहे त्यांचा मॅन्युफॅक्चर होता निवडणुकीचा महानगरपालिकेचा। महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा मॅन्युफॅक्चरचा तसा राज्य सरकारचा काही संबंध नव्हता। तेव्हा जेव्हा निवडून आले शिवसेनेचा महापुराला त्या दिवशी मॅन्युफॅक्चर पाळायला पाहिजे होता आणि त्या दिवशी 500 फुटापर्यंत त्या घराला टॅक्स माफ करायला पाहिजे होते। आत्ता महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत डोळा ठेवून तेव्हाचा मॅन्युफॅक्चर आज क्लिअर करताय? लोक मूर्ख आहेत का? तुम्ही मॅन्युफॅक्चर केला 5 वर्षापूर्वी, तो मॅन्युफॅक्चरचे इम्प्लिमेंटेशन आज निवडणुका पाहून करताय। मग ज्या दिवशीपासून तुम्ही मॅन्युफॅक्चर डिक्लेअर करा तेव्हापासून लागू करा ना। आणि मग एकटी मुंबई महानगरपालिका आहे का पुणे महानगरपालिका आहे, नागपूर महानगरपालिका आहे, औरंगाबाद महानगरपालिका आहे, राज्याच्या सर्व महानगरपालिका नगरपालिकालाही या ठिकाणी टॅक्स माफ केलं पाहिजे आणि तेवढा पैसा राज्य सरकारने त्या त्या महानगरपालिकेला दिला पाहिजे। कारण शेवटी जर राज्य सरकार घोषणा करत असेल तर राज्य सरकारचं कमिटमेंट आहे की राज्य सरकारने तेवढ्या जर बाबी माफ केल्या तर राज्य सरकारने त्याला शेअर केलं पाहिजे महानगरपालिकेला। आणि त्यामुळं महाराष्ट्रातल्या सर्व महानगरपालिकेचं टॅक्स माफ करून नगरपालिकामधलं टॅक्स माफ करून 500 फुटापर्यंत त्यांचा जे काही टॅक्सच्या रकमा आहे तेवढ्या सरकारने आपल्याकडनं त्या महानगरपालिकेला नगरपालिकेला अनुदान वाढवून दिलं पाहिजे। ते मुंबईपुरते नाही आता बांद्र्यापुरते झाले। त्यांना महानगरपालिकेचं कमिटमेंट जे महापौरांनी पूर्ण करायला पाहिजे,
ते राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना त्या ठिकाणी सांगावं लागतं आहे. अरे ठीक आहे, पण त्यांनी केव्हापासून केलं पाहिजे, ज्या दिवशी मॅन्युफॅक्चरो आपण डिक्लेअर केला त्या डेटला लागू केलं पाहिजे आणि सर्वच महानगरपालिकेला केलं पाहिजे आणि अनुदानसुद्धा दिलं पाहिजे राज्य सरकारने. नागपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कालीचरण महाराज के समर्थन में आंदोलन किया. इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई. सोमवार को छत्तीसगढ़ सरकार के विरोध में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किया. कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करने के विरोध में यह आंदोलन किया गया. महल परिसर के गांधी पुतले के पास किए आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित थे. आज यहां नागपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस प्रकार से कालीचरण जी महाराज को गिरफ्तार करके जेल में भेजा है उसके विरोध में यह प्रदर्शन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं. लोकतंत्र के अंदर विरोध करने का प्रदर्शन करने का अधिकार हमको दिया हुआ है, उसी अधिकार के तहत यहाँ पर हम खड़े हैं. उसी अधिकार के तहत हम छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन करने का कार्यक्रम करने वाले. लेकिन आपने देखा कि जिस प्रकार प्रशासन ने उस पुतले को जलाने के पूर्व ही अपने कब्जे में ले लिया, यह अत्यंत निंदनीय घटना है. यहाँ के प्रशासन को पता नहीं किस बात का डर है. यदि मान लीजिए भूपेंद्र सिंह का पुतला यहाँ पर जला दिया जाता, छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला यहाँ जला दिया जाता तो बहुत सी आफत आने वाली थी. मैं यहाँ के सीपी से पूछना चाहता हूँ तो कौन सी आफत आ जाती पुतला दहन करने से. विरोध करने का जो हमारा लोकतांत्रिक तरीका है उसको आपने कुठाराघात किया है, उसको आपने आघात किया है. आपको क्षमा मांगनी चाहिए. जिस प्रकार से अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदू धर्म. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.